अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू रेसिपी। रेसिपी है पिनव्हील बर्ड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक कप मैदा। मैदे के अंदर मैंने लाया है काली मिर्चें और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऑयल 1 स्पून ऐड करूँगी जी। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक हसबे ज़रूरत और हसबे ज़ायका ऐड कर दिया और थोड़ा सा ऑयल 1 स्पून ऐड कर दिया है। अब हम इस सब को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसमें थोड़ा इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से अब हमने इसको गूंद लेना है। जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उस तरह से इसको गूंद देना है। फ्रेंड्स, अब हमने इसको आटे की तरह गूंद लिया है। अब गूंदने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पोटैटोज अभी बॉयल हो रहे हैं। बॉयल होने के बाद हम जो है ना उन्हें मैश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जी। फ्रेंड्स, तो अब हमारे जो पोटैटो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। बॉयल होने के बाद मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, धरा मिर्च और हल्दी, थोड़ी सी थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ी सी अजवाइन जो है वो मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं इसे क्या करूँगी कि जो मैंने मटेरियल उसको बेलूँगी और बेल कर इसके अंदर जो है वो इस पोटैटो वाले मटेरियल को ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, हमने इसको बेल दिया है जितना बेला जा सकता था, जितनी ये बड़ी हो सकती थी हमने इसको बड़ा कर दिया है। अब मज़ीद ये नहीं हो सकता और अब हम इसमें अपने में जो पोटैटो वाला मटेरियल था अब हम वो ऐड कर देंगे। स्पून की मदद से सारा इसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इसको रोल कर देंगे जी। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इसका टाइम है रोलिंग का, रोलिंग टाइम। इसकी ये जो ये वाली लेयर है हम इस पर यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिला के इसको बंद कर देंगे ताकि ये दोबारा ओपन ना हो। सो हमने इसको इस तरह से रोल कर लिया। मुझे जितना मटेरियल चाहिए था मैंने उस हिसाब से इसको रख लिया है और आप भी इस तरह से रोल कर लीजिएगा। रोल करने के बाद अब हम इसे कट कर देंगे, कट करके फ्राई करेंगे। टू पीसेस में कट कर लिया। अब हम बारीक बारीक और इसके जितने हम रखना चाहते हैं साइज उसके हिसाब से इसको कट कर देंगे। मैंने इन्हें इस तरह से कट कर लिया। कट करके अब इसे हम टैप टैप लाइट सा कर देंगे, इसे प्रेस आउट कर देंगे और इसकी एक शेप बन जाएगी। कुछ इस तरह से इसकी लुक कुछ यूं बन गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले ये मटेरियल है 2 स्पून मैदा और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसकी एक लेयर तैयार की है। और आपने क्या करना है, इससे फ्राई करने से पहले सबसे पहले इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसकी लुक देखते हैं कैसी होती है। ये मैंने इसकी साइड चेंज की है ज़रा। फ्रेंड्स, क्रिस्पी पिनव्हील इज रेडी। अब आप क्या करेंगे, इसे केचप के साथ सर्व करेंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और मैंने ये रेसिपी अपनी मामानी से सीखी है जिनका एक चैनल है जीवर्ट के नेम से। आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में सबको याद रखें। आमीन।